आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई मसाला की रेसिपी। इसके लिए हमने 3 स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 स्पून ज़ीरा, 1 स्पून सौंफ और 5 हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली हैं, 5 से 6 लौंग, 2 हरी इलायची। इन सबको हम धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट बस हम भून लेंगे, जब तक कि इसमें फ्लेवर रिलीज़ ना होने लगे। फ्रेंड्स, हमें हमेशा इसे धीमी आंच पर ही भूनना है, तभी हमारा कढ़ाई मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए, अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। इस कंडीशन में हम इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हमने इसमें सिट्रिक एसिड यूज़ किया है जिसे नींबू का सद भी बोला जाता है, 1 स्पून सादा नमक। इन सबको हम मिला लेंगे और 1 इसका थोड़ा सा कोर्स पाउडर तैयार करेंगे। मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है और ये मसाला सभी सब्जियों की टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। ये मसाला कढ़ाई पनीर जब हम बनाते हैं उसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक बार कढ़ाई मसाला बनाकर अपनी कढ़ाई पनीर को बनाइए, आप हमेशा हमें याद रखेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, एक बार बनाना तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।